हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक स्टडी का ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये है कि आप टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा। आप 30 में से कितने सही कर पाएंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी आंसर आपसे आते होंगे वो भी आप साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको लगातार रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर और ये ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोस मिलते रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक देखने के बाद में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 फरवरी 2018 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण हेतु भारत तथा किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ों व बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। तो बिल्कुल सही है अगर आप राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं, सल्फोनेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अभी ALP में, ग्रुप डी में और बहुत सारे एग्जाम में। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। पृथ्वी का कोर किस रूप में है। सॉरी, तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। तो 10वें का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए राइट आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस बादशाह ने कराया था। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
सड़कों पर लगे पीले लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही है, अगर आप 16 का राइट आंसर ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 7 जनवरी 2018 को सिंगापुर में संपन्न आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी? तो जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड, अगर आप ऑप्शन सी यहां पे लगा रहे हैं तो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है? तो बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु कण नहीं है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। और देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 24 का डी। 25, एक अवतल लेंस हमेशा ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं, और लाइक भी जरूर करिएगा भाई, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 10 रुपये के नए नोट के पृष्ठ भाग पर निम्न में से किसकी आकृति अंकित है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2018-19 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 2.95 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यह पिछले बजट से कितने प्रतिशत अधिक हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आपके एग्जाम में। इसमें पूछा जा रहा है, जब कोई चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेशर कुकर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, तो बी आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 2 अप्रैल 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एंटीजम दिवस मनाया गया, वर्ष 2018 हेतु इस दिवस का विषय था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड है, 40 डिग्री सेल्सियस पर चाल है, तो ये आपको बताना है।
राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 32। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं, तो सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज के टेस्ट में आपके 32 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया है तो आपने लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके के टेस्ट को मैं रेगुलर लेके आऊं और इसमें क्वेश्चंस भी बढ़ाऊं, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें यार, ठीक है? क्योंकि लाइक तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद आई या नहीं आई, बट क्या पता किसी दूसरे को पसंद आ जाए, किसी की हेल्प हो जाए, तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर की PDF, मैथ की PDF, रीजनिंग की PDF और ये ऑनलाइन टेस्ट की PDF सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखें बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।